अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो जो OSPF में एरिया टाइप्स हैं वो कितने हैं? एक है आपके पास में यहाँ पे स्टैंडर्ड एरिया, एक होता है स्टब एरिया, एक है हमारे पास में टोटली स्टब एरिया, एक है NSSA एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया, NSSA एरिया। ठीक है, और एक है यहाँ पे टोटली NSSA एरिया। ये फाइव टाइप की एरियाज है OSPF बाय डिफॉल्ट। ऑल एरियाज आर ऑल एरियाज आर स्टैंडर्ड एरिया, चाहे वो बैकबोन एरिया हो चाहे वो रेगुलर एरिया हो, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एरियाज क्या होते हैं? स्टैंडर्ड एरियाज होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एल एस ए, ये टाइप्स ऑफ एरिया यूज क्यों करते हैं। ये टाइप्स ऑफ एरिया हम लोग यूज करते हैं एल एस ए फिल्टरिंग के लिए। किसके लिए? फॉर एल एस ए फिल्टरिंग, LSS को फिल्टर करने के लिए, टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल का जो साइज है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। बात आ रही है समझ में? क्लियर है ये चीज? क्या बताया मैंने, टाइप्स ऑफ एरिया किस लिए यूज होते हैं? डेटाबेस को फिल्टर कर, एलएसएस को फिल्टर करने के लिए आप बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ एरियाज आर यूज्ड फॉर एलएसए फिल्टरिंग। किसके लिए यूज होते हैं? एलएसए फिल्टरिंग के लिए, टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल का साइज रिड्यूस करने के लिए। चलो डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आएगी जब हमें डेटाबेस टेबल का साइज क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो यार, मैं इस टोपोलॉजी को मैं हटा रहा हूं, मेरे पास में एक और टोपोलॉजी बनी हुई है, ये टोपोलॉजी है मेरे पास में। एक मिनट, टोपोलॉजी है अभी के लिए, नीचे वाला पार्ट नहीं है, ये वाली टोपोलॉजी है मेरी। ठीक है, यहां पे क्या चल रहा है? EIGRP OSPF का एरिया 0 है, OSPF का एरिया 3 है। इस राउटर पे आप क्या परफॉर्म करोगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो EIGRP डोमेन में टोटल नंबर ऑफ जो प्रीफिक्सेस हैं वो है 500 प्रीफिक्सेस। ठीक है, इस एरिया 0 में जो प्रीफिक्सेस हैं वो मान लेते हैं 200 प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, ये जो हमारा एरिया 3 है, बाय डिफॉल्ट ये एरिया क्या है? स्टैंडर्ड एरिया है। एरिया टाइप क्या है इसका? स्टैंडर्ड एरिया। और जो स्टैंडर्ड एरिया होता है उसमें कोई भी एलएसए फिल्टर नहीं हो रहा होता बाय डिफॉल्ट, उसमें सारे एलएसएस क्या होते हैं? अलाउड। ठीक है,
तो ये स्टैंडर्ड एरिया था बाय डिफॉल्ट। तो एक बात बताओ, एरिया जीरो के जो ये प्रीफिक्सेस हैं यहाँ पे आ रहे होंगे, इस एरिया में किस फॉर्म में आ रहे होंगे? LSA 3 के फॉर्म में। कितने नंबर ऑफ LSA 3 आएंगे? जितने नंबर ऑफ प्रीफिक्स हैं, मतलब 200 आएंगे। और EIGRP के प्रीफिक्सेस इस एरिया में कैसे आ रहे होंगे? LSA 5 के फॉर्म में। कितने नंबर ऑफ LSA 5 आएंगे? 500 है ना। और एक LSA 4 भी तो आएगा। LSA 4 कौन भेजेगा? R3 ना, ABR ना। अरे इसको पता चल जाएगा ये क्या है, ASBR R4, बट इधर नहीं जाएगा उसका LSA 4, LSA 1 किसका? R4 का। तो ABR क्या भेज देता है इस एरिया में? LSA 4, याद है ना। तो होगा क्या, इस एरिया में, एरिया 3 में एक तो आ रहे होंगे LSA 3, कितने? 200। एक आ रहा होगा LSA 4, कितने? एक। और आ रहे होंगे यहाँ पे LSA 5, कितने? 500। टोटल नंबर ऑफ जो LSA होंगे कितने होंगे? 700 LSA होंगे, ठीक है, अराउंड 700 LSA आ रहे होंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे इस एरिया में जो राउटर्स अटैच्ड हैं वो बहुत ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के राउटर हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे जो राउटर अटैच्ड हैं वो बहुत ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के राउटर है, वो इतने नंबर ऑफ LSA को अपने डेटाबेस में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एरिया कौन था? स्टैंडर्ड एरिया। स्टैंडर्ड एरिया में सारे LSA क्या होते हैं? अलाउड होते हैं। सारे LSA आ रहे होंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे इन राउटर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। क्या बोला मैंने? अभी मैंने क्या समझाया? अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले? अभी मैंने एक जोक सुनाया था, वो सुनाओ। चल, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ LSA आ रहे हैं 700 LSA, बट इन राउटर्स की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है कि उन 700 LSA को हैंडल कर पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ LSA को क्या करवाऊंगा? फिल्टर करवा दूंगा। और फिल्टर करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे क्या, स्टब एरिया। क्या यूज कर लेंगे? स्टब एरिया। स्टब एरिया में जिस एरिया को आप स्टब एरिया बनाओगे उसमें फिल्टर हो जाते हैं टाइप 5 LSA, और टाइप 5 LSA फिल्टर हो गया तो फिर टाइप 4 LSA की जरूरत है हमें? अरे टाइप 5 LSA नहीं आ रहा तो टाइप 4 LSA की जरूरत ही क्या है हमें, है ना। एंड टाइप 4 LSA, जिस एरिया को आप स्टब एरिया बनाओगे उस एरिया में टाइप 5 एंड टाइप 4 LSA क्या हो जाते हैं? फिल्टर, वो आएंगे नहीं। तो होगा क्या, इस एरिया में सभी राउटर को आप क्या बोल दोगे, जो तुम्हारा एरिया 3 है वो क्या है? स्टब एरिया है। सभी राउटर को जाके बोलना पड़ेगा आपको इंडिविजुअली। होगा क्या, जैसे ही इस राउटर को आप बोलोगे ना, इस राउटर को आपने जाके बोल दिया कि इसका एरिया 3 क्या है? स्टब है। क्या है? एरिया 3 स्टब। तो जो जो इंटरफेस स्टब एरिया में है उस इंटरफेस से जब हेलो मैसेज भेजेगा ना, उस हेलो मैसेज में एक एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट होती है, वो बाय डिफॉल्ट ऑन करके भेज रहा होता है, उसको ऑफ करके भेजना क्या कर देगा? स्टार्ट। मतलब ये एक्सटर्नल राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता, मतलब LSA 5 को सपोर्ट नहीं करेगा। और ये अभी भी जो अपना LSA सॉरी ये जब अभी भी जो अपना हेलो मैसेज भेज रहा होगा, उस हेलो मैसेज में अभी भी वो एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट ऑन करके भेज रहा होगा, तो इन दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप हो जाएगी ब्रेक। मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्टब फ्लैग बिट, याद है आप लोगों को, जब नेबरशिप पैरामीटर बताए थे स्टब फ्लैग बिट क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। तो ये वो फ्लैग बिट ही है एक्चुअली, स्टब फ्लैग बिट।
जैसे इस राउटर को बोलोगे तुम एरिया थ्री तुम्हारा क्या है स्टब एरिया है, तो जो इंटरफेस एरिया थ्री में है उस इंटरफेस से जो भी हेलो जा रहा होगा उसमें एक एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट होती है हेलो मैसेज में, उसको ऑफ करके भेजना क्या कर देगा स्टार्ट। और ये अभी भी इस राउटर को मैंने अभी भी नहीं बोला तुम्हारे एरिया थ्री क्या है स्टब है, ये अभी भी राउटर जब अपना हेलो मैसेज भेज रहा होगा वो एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट ऑन करके भेज रहा होगा, मतलब ये अभी भी एक्सटर्नल राउटिंग को क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है। तो इन दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप हो जाएगी ब्रेक। तो इसीलिए मैंने बताया था वहां पे एक स्टब फ्लैग बिट क्या होनी चाहिए मैच होनी चाहिए नेबरशिप पैरामीटर में, मैंने ऐड करवाई थी याद होगा तुम लोगों को है ना। तो इस राउटर पे भी आपके आपको बोलना पड़ेगा आर नाइन का जो एरिया थ्री है वो किसमें है वो क्या है स्टब एरिया है। तो ये भी इंटरफेस एरिया थ्री में, ये भी इंटरफेस एरिया थ्री में, तो ये भी अपने इस लिंक से जो हेलो मैसेज भेजेगा वो एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट को ऑफ करके भेजना क्या कर देगा स्टार्ट। तो इन दोनों के बीच में तो नेबरशिप अप आ जाएगी, ये दोनों ऑफ करके भेज रहे हैं, बट आर थ्री अभी भी कैसे भेज रहा है ऑन करके, ये कैसे भेज रहा है ऑफ करके, तो इन दोनों के बीच में नेबरशिप क्या हो जाएगी ब्रेक। तो इस राउटर को भी जाके बोलना पड़ेगा आर थ्री को तुम्हारा एरिया थ्री किसमें है, तुम्हारा एरिया थ्री स्टब एरिया, तो इस इंटरफेस से जो एरिया जो इंटरफेस तुम्हारा एरिया थ्री में है वो उस इंटरफेस से भी हेलो मैसेज में एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट को ऑफ करके भेजना क्या कर देगा स्टार्ट। और इस इन राउटर के बीच में भी नेबरशिप क्या हो जाएगी अप आ जाएगी। अभी एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट ऑफ हो गया मतलब ये एक्सटर्नल राउटिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये LSA 5 को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस एरिया में LSA 5 क्या हो जाएगा फिल्टर। तो अब अगर आप किसी एक देखो किसी एरिया को अगर आपने स्टब एरिया बनाना है तो उस एरिया में हर एक राउटर पे जाके बोलना पड़ेगा ये तुम्हारा एरिया जो है वो क्या है स्टब एरिया है। अगर एक भी राउटर पे नहीं बोला तो उसकी अपने नेबर से नेबरशिप क्या हो जाएगी ब्रेक। क्लियर है ये चीज। और स्टब एरिया में ये एरिया हमारा क्या बन चुका है स्टब एरिया बन चुका है। और स्टब एरिया में LSA 5 क्या होते हैं फिल्टर और एक्सटर्नल राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता, मतलब LSA 5 क्या हो जाएंगे LSA 5 को सपोर्ट नहीं करेगा। अब LSA 5 को सपोर्ट नहीं करेगा LSA 5 नहीं आएंगे तो LSA 4 की क्या जरूरत है, LSA 4 भी नहीं आएगा। तो यहां पे LSA 5 एंड LSA 4 क्या हो जाएंगे फिल्टर। इसका डेटाबेस का साइज क्या हो गया 200 LSA, इवन LSA 3 तो लिमिटेड, LSA 1 भी तो आएंगे यहां पे इस एरिया के, चलो जितने नंबर ऑफ राउटर होंगे उतने नंबर ऑफ ही क्या होंगे तुम्हारे LSA 1 होंगे, बाकी LSA 3 कितने आ रहे हैं सिर्फ 200। और यहाँ पे LSA 5 क्या हो गया फिल्टर, मतलब ये EIGRP के प्रीफिक्सेस यहाँ पे अब LSA 5 के फॉर्म में आ ही नहीं रहे। फिर आप यहाँ से EIGRP डोमेन को कम्युनिकेट कैसे करोगे जब EIGRP के प्रीफिक्सेस LSA 5 के फॉर्म में आ ही नहीं रहे हैं, वो प्रीफिक्सेस ही क्या हो जाएंगे, अब डेटाबेस में LSA नहीं आए तो राउटिंग टेबल में प्रीफिक्सेस नहीं होंगे। राउटिंग टेबल जनरेट ही किससे होती है डेटाबेस टेबल से, अब डेटाबेस टेबल में ही LSA नहीं है LSA 5 नहीं है तो एक्सटर्नल रूट आएंगे इसके पास में EIGRP के नहीं। फिर ये राउटर्स मतलब इनको तो कम्युनिकेट ही नहीं, कम्युनिकेशन तो होना चाहिए कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे होंगे इसका मतलब। तो होता क्या है इसमें एक और लाइन ऐड कर लेना ABR राउटर विल जनरेट ए डिफॉल्ट रूट ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ LSA 3। ABR राउटर जो है वो एक डिफॉल्ट रूट भेज देगा किस फॉर्म में LSA 3 के फॉर्म में। अब होगा क्या ये जो राउटर है हमारा ABR राउटर ये डिफॉल्ट रूट भेज रहा होगा मतलब एक LSA 3 भेज रहा होगा उसमें एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी क्या जा रही होगी और लिंक आईडी क्या जा रही होगी 0.0.0.0 वो प्रीफिक्स 0000 और इन सब के पास में वो जब LSA 3 आएगा उसमें क्या आ रहा है प्रीफिक्स कौन सा आ रहा है 0.0.0.0 आ रहा है मतलब एक डिफॉल्ट रूट आ रहा है। ये राउटर्स क्या कर लेंगे अपनी राउटिंग टेबल में उस डिफॉल्ट रूट को क्या कर लेंगे इंस्टॉल कर लेंगे। अब डिफॉल्ट रूट आ गया ना, अब डिफॉल्ट रूट की हेल्प से ये कोई भी प्रीफिक्स को क्या कर लेगा कम्युनिकेट। एक्चुअली क्या हो रहा है अब इसने जब 50.1.1.0/24 को 50.1.1.1 को कम्युनिकेट करना है तो इसके पास में डिफॉल्ट रूट होगा इसके थ्रू ये इसको भेज देगा, ये किसको भेज देगा इसके पास में डिफॉल्ट रूट है इसके थ्रू ये इसको भेज देगा। अब इसके राउटिंग टेबल में तो प्रीफिक्स पड़ा होगा क्योंकि ये इंटरफेस जो है वो एरिया कौन से में पार्टिसिपेट कर रहा है एरिया जीरो में, तो एरिया जीरो में तो LSA क्या आ रहे होंगे 5 आ ही रहे होंगे तो इसकी राउटिंग टेबल में तो 50.1.1.1 तक जाने का रूट पड़ा होगा तो ये किसको ट्रैफिक भेज देगा इसको ये इसको और ये इसको। कम्युनिकेशन होना क्या हो जाएगा स्टार्ट,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डेटाबेस साइज की भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डेटाबेस साइज को रिड्यूस करवा लिया और कम्युनिकेशन भी हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। आगे बात समझ में, क्लियर है इतनी चीज। देखिए इसको इंप्लीमेंट करके, स्टब एरिया को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहले मैं आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। आईपी की ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है, सिर्फ ओएसपीएफ प्रोटोकॉल इनेबल करना है हमने। दिखा देता हूँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन। R1 पे चलता हूँ, R1 पे कुछ प्रीफिक्सेस होंगे यहाँ पे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है यहाँ पे। नहीं हुआ, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, तो देखो R1 पे मैं आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेसिंग दिखा देता हूँ। आईपी एड्रेस है ऑलरेडी, मैं काम करता हूँ इस पर कुछ लूप बैक बना लेता हूँ। लूप बैक 1 को मैंने आईपी दिया 10.1.1.1, लूप बैक 2 2.1, लूप बैक 3। ठीक है, R1 जो है वो किस में है, OSPF डोमेन में, एरिया 0 में। तो राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज 1.1.1.1, नेटवर्क इज 0.0.0.0.0, एरिया इज, आगे बात समझ में। और R5 पे भी मैंने कुछ प्रीफिक्स है यहाँ पे, कुछ लूप बैक बना रखे हैं 50 के नेटवर्क में। किस नेटवर्क में, 50 के नेटवर्क में। R4 पे चलते हैं, R4 पे मैं पहले इस पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल चलेंगे आपके। राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज 4.4.4.4, एग्जिट, इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी OSPF 100, एरिया इज 0, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क इज, इन दोनों के बीच में 54 का नेटवर्क यूज हो रहा है, नोट ऑफ समथिंग, इस वाले इंटरफेस पे 54 का नेटवर्क है। R3 पे चलो, सॉरी R5 पे चलो, और R5 के सारे इंटरफेसेस किस में, राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 0.0.0.0, सारे के सारे इंटरफेसेस EIGRP, मैं दिखा देता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कुछ लूप बैक भी बने हुए यहाँ पे 50 के। ठीक है, ये डोमेन कॉन्फ़िगर हो गया, ये इतना पार्ट कॉन्फ़िगर हो गया। R3 पे चलना है हमने, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज, नेटवर्क 0.0.0 कमांड नहीं चलाऊंगा, सारे इंटरफेस एक ही एरिया में नहीं है, आईपी OSPF 100, एरिया इज 0, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/1, आईपी OSPF 100, एरिया इज 3। ठीक है, R9 पे चलोगे, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज 9.9.9.9, नेटवर्क इज 0.0.0.0, सारे के सारे इंटरफेसेस एक ही एरिया में है, एरिया 3 में है। R4 पे चलोगे, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज 10.10.10.10, और मैं इंटरफेस सीरियल 1/0 को आईपी OSPF एरिया 100 की एरिया 3 में डाल देता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे 50.1.1.0/24 to 50.1.5.0 या जितने भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 10 के कुछ प्रीफिक्सेस हैं, 10.1.1.0/24 to 10.1.3.0/24, ये टोपोलॉजी है हमारी। अब देखो आर इस एरिया में, इस एरिया के ये सारे प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे किस फॉर्म में,
एल एस ए थ्री के फॉर्म में इस एरिया के सारे प्रीफिक्सेस, इस डोमेन के सारे प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे एल एस ए फाइव के फॉर्म में। दिखा देता हूँ आर नाइन का डेटा बेस टेबल, आई पी वेस्ट डेटा बेस, इसके डेटा बेस में आप लोग देखोगे तो इसके पास में है। अच्छा रुको, रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं करवाइए, आर फोर पे चलोगे राउटर ओ एस पी ओ 100 में रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दो ई आई जी आर पी 100 को, और सबनेट एंड मेट्रिक टाइप 1 मैं क्यों लगा रहा हूँ वो भी आने वाले टाइम में पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और राउटर ई आई जी आर पी 100 में रिडिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ ओ एस पी ओ 100 को मैट्रिक। अब देखो इसके भी प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे आर नाइन के पास में एल एस ए फाइव के फॉर्म में। देखो वो एल एस ए थ्री आ रहे हैं, एक एल एस ए फोर आ रहा है, आर थ्री ने भेजा ए बी आर ने, और वो एल एस ए फाइव किसके ई आई जी आर पी डोमेन के। आगे बात समझ में। अब यहां पे ये नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हम लोग कितने मान के चल रहे हैं 500, इस एरिया में प्रीफिक्सेस कितने मान के चल रहे थे 200, तो अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ एल एस एस कितने आ रहे हैं 700 और एक वो आपका एल एस ए फोर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेटाबेस टेबल का साइज हमने क्या करना है, इवन डेटाबेस टेबल का साइज इंक्रीज हो गया है, और राउटिंग टेबल में भी देखो शो आईपी रूट वो इतने सारे नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं 1050 वाले, है ना। तो अब इस डेटाबेस टेबल का साइज क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, एलएसएस को क्या करवाएंगे फिल्टर, उसके लिए हम लोग इस एरिया को क्या बना लेंगे स्टब एरिया। स्टब एरिया कैसे बनाओगे, मैं चलता हूं पहले आर टेन पे चलते हैं, आर टेन पे जाके बोल देता हूं मैं राउटर ओएसपी 100 में, मैंने बोला एरिया जो 3 है ना वो क्या है वो स्टब है, और मैंने जैसे इसको स्टब बोला ना नेबरशिप क्या कर दी इसने आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, नेबरशिप क्या हो चुकी है ब्रेक डाउन है नेबरशिप। आर नाइन पे देख लो शो आईपी ओएसपी ऑफ, शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, अभी थोड़ा टाइम लेगा उससे नेबरशिप डाउन करने में, ये 30 सेकंड ये 40 सेकंड अराउंड बचे हुए हैं, वेट कर लो नेबरशिप ब्रेक कर देगा, बट आर थ्री से कोई नेबरशिप ब्रेक नहीं होगी, देखो आर टेन से इसकी नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी, नेबरशिप डाउन क्यों डाउन होगी, ये जो अपना एल एस ए वन भेज रहा है, सॉरी जो अपना हेलो मैसेज भेज रहा है उसमें ई बिट ऑफ करके, सॉरी एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट ऑफ करके भेज रहा है, और ये एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट अभी भी ऑन करके भेज रहा है, ये अभी भी एल एस ए फाइव को मतलब एक्सटर्नल राउटिंग को क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ ये नहीं कर रहा। तो देख लो मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिक, ये इसको ओपन करके कैप्चर, लिंक को मैंने किया कैप्चर, स्टार्ट वायर शार्ट में दिखा देता हूं। आर टेन का जो हेलो जा रहा है इस हेलो में एक ऑप्शन में एक एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट है, ये इसको कैसे भेज रहा है ऑफ करके, तो एक्सटर्नल राउटिंग कैसे जा रही है नो है ना, बट आर 9 अभी भी एक्सटर्नल राउटिंग को क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है, ऑन करके भेजता है, तो नेबरशिप क्या होगी, फ्लैग बिट मिसमैच होते ही क्या हो जाएगी नेबरशिप डाउन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आर टू पे आना पड़ेगा, आर टू पे आके राउटर ओएसपी 100 एरिया 3 इसको भी क्या बोल दो आप स्टॉप, तो आर 9 की R10 से तो नेबरशिप आप आ जाएगी, बट R3 से नेबरशिप क्या हो गई, तो R3 पे भी जाना पड़ेगा और उसको भी बोलना पड़ेगा आपको क्या राउटर OSPF 100 एरिया 3 इज स्टब, तो अब इन सब की नेबरशिप आपस में आप आ जाएगी, ठीक है। और अब इस एरिया में स्टब एरिया में LSA कौन कौन से फिल्टर होते हैं, LSA 4 एंड LSA 5, तो R9 पे आ जाओ जरा, शो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस। अब क्या इसके पास में LSA 5 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अब LSA 5 नहीं आ रहे हैं तो फिर EIGRP डोमेन के साथ में कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो ABR राउटर क्या भेज रहा है, एक
डिफॉल्ट हूँ, और जो आईपी रूट इसकी राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ, राउटिंग टेबल का भी साइज क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। अब यहाँ पे वो कोई 50 वाले प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ एबीआर क्या भेज रहा है एक, वो 500 एलएसए 5 नहीं आ रहे हैं, एक डिफॉल्ट रूट आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एलएसए 3, और इसकी हेल्प से ये कम्युनिकेट भी कर पाएगा इवन 50 के नेटवर्क के साथ में, देख लो एएचआरपी डोमेन के साथ में। क्लियर, आगे बात समझ में, बोलो। इतनी चीज, अरे डेटाबेस साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना, शुआईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, यहां पे पहले एलएसए 5 आ रहे थे, एलएसए 4 आ रहा था, वो फिल्टर हो चुके हैं यहां पे, ठीक है। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, हमने इसका डेटाबेस क्या करा, रिड्यूस करके देखा, हमने वो 500 जो एलएसए के आ रहे थे, 5 आ रहे थे, उनको क्या करवा दिया, फिल्टर करवा दिया, बट अभी भी यहां पे 200 क्या आ रहे हैं, एलएसए 3 आ रहे हैं, हमने देखा एलएसए 5 फिल्टर तो करवा दिया, बट अभी भी परफॉर्मेंस क्या है इन डिवाइसेस की, इतनी अच्छी नहीं है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी ये राउटर की, ये राउटर्स ये जो एलएसए 200 आ रहे हैं, एलएसए 3 उनको भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमने कौन से एलएसए फिल्टर करवाने हैं, एलएसए 3 भी फिल्टर करवाने हैं, तो अब इसके लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है, टोटली एनएसएसए, सॉरी टोटली स्टब, इसमें क्या क्या कौन कौन से एलएसए फिल्टर हो जाते हैं, एलएसए 5, एलएसए 4 एंड एलएसए 3 फिल्टर हो जाएंगे, और इसमें एबीआर राउटर विल इंजेक्ट डिफॉल्ट रूट इन दिस एरिया इन द फॉर्म ऑफ LSA 3, LSA 3 के फॉर्म में ABR राउटर डिफॉल्ट रूट भेज रहा होगा और ऑटोमेटिकली भेज रहा होगा, वो कुछ नहीं करना हमने, देख ले इस एरिया को हम लोग स्टब एरिया बना के, सॉरी टोटली स्टब बना के। अब इस एरिया को टोटली स्टब बनाना कैसे, वो देखो एक बात बताओ, इस एरिया में LSA 3 भेज कौन रहा है, कौन R3 भेज रहा है, LSA 3 ना, ABR ही भेजेगा, ये एरिया पहले ही क्या है, स्टब एरिया, इस एरिया में LSA 4 और LSA 5 क्या है, फिल्टर्ड है, मैं R3 को बोल दूंगा कि तुम LSA 3 भेजना भी क्या कर दो, बंद कर दो, तो ये एरिया टोटली क्या हो जाएगा, टोटली स्टब हो जाएगा, एक ही कमांड ऐड होगी कहां पे, हाँ ABR राउटर पे, हमने इस एरिया को क्या बोला था, एरिया 3 स्टब बोला था। इसके आगे एक कीवर्ड यूज कर लेना, नो समरी, ये समरी भेजना भी, समरी एलएसए भेजना भी क्या कर देगा, बंद कर देगा, तो ये जो कंप्लीट एरिया है आपका एरिया 3 क्या हो जाएगा, ये टोटली स्टब हो जाएगा। पहले यहां पे एलएसए 3 भी आ रहे थे, अब देखना आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, इसका डेटाबेस का साइज एकदम रिड्यूस हो गया, एलएसए 1 आ रहे हैं, एलएसए 3 फिल्टर हो चुके हैं, अब सिर्फ एक डिफॉल्ट रूट आ रहा है, ये एक एलएसए 3 के फॉर्म, और राउटिंग टेबल का भी साइज क्या हो गया, एकदम रिड्यूस हो गया, और आप कम्युनिकेट भी कर पाओगे ओएसपीएफ के एरिया 0 से सीआईजीआरपी डोमेन से डिफॉल्ट रूट की हेल्प से। बोलो आगे बात समझ में, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, स्टब एरिया में और टोटली स्टब एरिया में, स्टब एरिया में एलएसए 4 एंड एलएसए 5 फिल्टर होते हैं, टोटली स्टब एरिया में एलएसए 5 एलएसए 4 तो फिल्टर है ही, एलएसए 3 भी फिल्टर हो जाएंगे, किसमें, टोटली स्टब में। टोटली स्टब एरिया बनाने के लिए जो कमांड ऐड होगी वो सिर्फ एबीआर राउटर पे ऐड होगी, एरिया स्टब रहेगा, एक एक्स्ट्रा कमांड ऐड हो जाएगी नो समरी की, किस राउटर पे, एबीआर राउटर पे, इस एरिया को टोटली स्टब बनाने के लिए।
और चाहे आपका स्टब एरिया हो, टोटली स्टब एरिया हो, एबीआर राउटर एक डिफॉल्ट रूट भेज रहा होगा ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ एलएसए 3 फॉर कम्युनिकेशन। स्टब ना करके डायरेक्टली एबीआर राउटर पर भाई टोटली स्टब अगर मैंने डायरेक्टली कर दिया, इनको स्टब नहीं बोला तो फिर क्या होगा? बिट ये बिट ऑफ करके भेज रहा होगा, ये बिट ऑन करके भेज रहा होगा, नेबर सीपी क्या हो जाएगी? आगे बात समझ में? ओके अब नेक्स्ट है हमारे पास में कौन, क्या एनएसएस एरिया। एनएसएस एरिया को समझने के लिए ना कुछ ऐसा समझते हैं। देखो यहाँ पे अब हुआ क्या, हमारी कंपनी के पास में कुछ पैसे आ गए अब, और इस साइड में ना एक और छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, छोटी सी एक और कंपनी थी जहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ राउटर अटैच थे। उसको भी हमने क्या कर लिया, उस कंपनी को ओवरटेक कर लिया, ठीक है। और वहां पे क्या चल रहा है, रिप या ईआईजीआरपी कोई भी लगा लो, ठीक। और अब इस राउटर पे हमें क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन आप परफॉर्म करोगे तो अब रिप वाले डोमेन को हमने किससे कनेक्ट कर लिया, हमारे ओएसपीएफ डोमेन से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया हमने। है ना, रिप डोमेन को हमने ओएसपीएफ डोमेन से कनेक्ट कर लिया। अब ये एरिया क्या बना हुआ था आपका, स्टब या टोटली स्टब बना हुआ था। स्टब और टोटली स्टब के अंदर एलएसए 5 क्या होते हैं, फिल्टर। इस राउटर को हमने यहां पे लगा भी लिया, अटैच कर भी लिया, इस पे ओएसपीएफ चल रहा है, ये इंटरफेस किस में चल रहा है, रिप में चल रहा है। तो आप क्या करोगे, रिप को ओएसपीएफ में क्या करवाओगे? एक बात बताओ, जब ओएसपीएफ में कोई भी प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट करवाओगे तो ये राउटर क्या बनेगा, एएसबीआर बनेगा। एएसबीआर जो रिप के प्रीफिक्स है वो ओएसपीएफ डोमेन में किस एलएसए के फॉर्म में भेजेगा, एलएसए 5 के फॉर्म में। और ये एरिया क्या है हमारे पास में, स्टब या टोटली स्टब। और स्टब और टोटली स्टब में फिल्टर होते हैं एलएसए 5। स्टब एंड टोटली स्टब जो है वो एलएसए 5 को सपोर्ट करते ही नहीं है, उसमें तो एलएसए 5 क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, ये क्या एएसबीआर वर्क करेगा यहां पे? जब आप रिप को ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाओगे तो कौन सा एलएसए जनरेट करेगा, एलएसए 5। और इस एरिया में तो एलएसए 5 क्या है, फिल्टर्ड है। एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस ओएसपीएफ में कैसे जाते हैं, बाय डिफॉल्ट एलएसए 5 के फॉर्म में जाते हैं। और वो यहां पे स्टब एरिया में क्या है, स्टब या टोटल स्टब में क्या है, एलएसए 5 फिल्टर्ड है। तो एएसबीआर राउटर एक्ट करेगा, वर्क करेगा यहां पे, नहीं। एएसबीआर राउटर रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। तो एक लाइन ऐड कर लेना, स्टब एंड टोटली स्टब एरिया में ASBR router is not allowed in this area. दोनों stub में and totally stub दोनों में add कर लो ये। ASBR router allowed ही नहीं होता है किसमें, stub area में और totally stub में। Actually क्या होगा, ASBR router जो है वो जब उस पर आप redistribution perform करोगे तो वो router जितने भी external prefixes हैं वो OSPF domain में कैसे भेजता है, LSA 5 के फॉर्म में। और स्टब एंड टोटली स्टब में वैसे ही हमारे LSA 5 क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो वो कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या स्टब एरिया में और टोटली स्टब में ASBR राउटर अलाउड नहीं होता। क्लियर है ये चीज, लाइन ऐड कर ली ये भी, ओके। हाँ जी सर जी। तो अब इस राउटर पे आपने रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करनी है तो हमें काम करना पड़ेगा, क्या इस एरिया को हमें स्टब एरिया से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर पाएगा। तो हटा दूं मैं इस एरिया को स्टब एरिया से, दिखा देता हूं मैं आपको पहले यहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवा के शो आईपी प्रोटोकॉल। इस पे प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है अभी के लिए, सिर्फ ओएसपीएफ ही चल रहा है। मैं रिप चला दूं इस पे, राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी, नेटवर्क इनके बीच में 110 यूज हो रहा है। R11 पे भी चलता हूँ और R11 पे भी जाके मैं RIP प्रोटोकॉल इनेबल कर देता हूँ, राउटर RIP वर्जन 2 ऑटो समरी नेटवर्क इज। और इवन मैंने यहाँ पे कुछ लूपबैक भी बना रखे हैं 11 के नेटवर्क में बने हुए। तो R10 के पास में प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे सारे के सारे, वो शो आईपी रूट
11 वाले भी आ रहे हैं, ओएसपीएफ वाले भी आ रहे होंगे। देखो सीआईपी ओएसपीएफ डेटा, सीआईपी रूट ओएसपीएफ, ओएसपीएफ के सारे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। एक ही आ रहा है डिफॉल्ट रूट, सब एरिया बना हुआ है, और एक यहाँ पे ये 9.9.9 का लूपबैक आ रहा है, और ये इन दोनों के नेटवर्क का आ रहा है। LS1 से कैलकुलेट किया उसने, और इसके बाद में सीआईपी रूट रिप के प्रीफिक्सेस भी आ रहे होंगे सारे। तो मैं यहाँ पे रिप को ओएसपीएफ में क्या करवाऊंगा, राउटर ओएसपीएफ 100 में मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट करवा लिया किसको, रिप को। आगे मैंने एक सबनेट कीवर्ड यूज कर लिया मैट्रिक टाइप, जैसे मैंने बताया इसने यहां पे एक आपको वार्निंग दिया है, नहीं क्या बोल रहा है, तो अब देखो सीआईपी प्रोटोकॉल में ये आपको ASBR बता तो रहा है कि मैं ASBR हूँ, बट यहाँ पे R9 पे चलना, सीआईपी रूट सीआईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, उसने कोई LSA5 भेजे, रिप के कोई प्रीफिक्स आए हैं यहाँ पे, आए नहीं है। तो अब रिप के प्रीफिक्स इस एरिया में चाहिए, तो इस एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवानी है, तो स्टब एरिया से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। राउटर ओएसपीएफ 100, मैं इसको स्टब एरिया से हटा देता हूं, R10 पे भी चलता हूं, कमांड हटाओगे वो यहां से भी, और R3 पे भी चलोगे और वो कमांड यहां से भी रिमूव करनी पड़ेगी, राउटर ओएसपीएफ 100, और वो पुरानी वाली कमांड भी हटा ही दो, नहीं तो वो कमांड वहां पे पड़ी रहेगी। इनके बीच में नेबरशिप क्या हो जाएगी, अब आ जाएगी, और अब मैं R10 पे दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवा दूं, रिडिस्ट्रीब्यूट राउटर ओएसपीएफ 100 में, रिडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट मैट्रिक टाइप 1, एक और काम कर लेते हैं, राउटर रिप में जाके रिडिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूं ओएसपीएफ 100 को और मैट्रिक। तो अब देखो, अब तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ये ASBR राउटर क्या कर सकता है, ये स्टब एरिया नहीं है तो इस एरिया में प्रीफिक्सेस भेज देगा किस फॉर्म में, LSA5 के फॉर्म में, देख लें। तो होगा क्या, अब लेट्स सपोज रिप डोमेन में जो टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस थे वो लिमिटेड प्रीफिक्स थे, कितने, सिर्फ 20 प्रीफिक्स थे, और यहां पे वो प्रीफिक्सेस कितने थे, 500, यहां पे प्रीफिक्सेस कितने थे, 200। अब होगा क्या, यहां पे ये ASBR एक्ट करना स्टार्ट कर लेगा और रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर लेगा। अब एक तो वो ऊपर से LSA5 आ रहे होंगे कितने, ठीक है, और LSA4 आ रहा होगा कितने, एक और LSA3 आ रहे होंगे कितने, 200, और LSA5 और आने स्टार्ट हो जाएंगे नीचे वाले डोमेन से 20। पहले ही इनकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, ये उन LSA 500 LSA 700 LSA को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अब और 20 LSA आ गए इसके पास में एक्स्ट्रा, देख लो आगे होंगे। इलेवन वाले भी, रिप वाले भी, और EIGRP वाले भी। अब इनका डेटाबेस तो और इंक्रीज हो गया, 20 और LSA आ गए यहां पे, परफॉर्मेंस वैसे इनकी अच्छी नहीं थी पहले। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, LSA5 को क्या करवाना है, हमने यहां पे फिल्टर करवाना है, LSA5 क्या करवाने हमने, फिल्टर। तो LSA5 फिल्टर करवाने के लिए, अब मैं इस एरिया को अगर मैं स्टब एरिया बना दूं तो यहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। तो अब इस एरिया को हम लोग क्या बनाएंगे, इस एरिया को बनाएंगे हम लोग NSSA एरिया। क्या बनाएंगे इस एरिया को,
एनएसएस एरिया में हेडिंग डालो, लिखो इसमें एनएसएस एरिया में फिल्टर हो जाते हैं कौन कौन से प्रीफिक्सेस, एलएसए 5 एंड एलएसए 4। इसमें एक और लाइन ऐड करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अलाउड इन द फॉर्म ऑफ LSA 7। रिडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है एनएसएस एरिया में, बट किस फॉर्म में, LSA 7 के फॉर्म में। अब देखो होगा क्या यहां पे, मैं वापिस से उसी टोपोलॉजी पे आ जाता हूं। अब देखो जैसे ही मैं इस एरिया को क्या बनाऊंगा, एनएसएस एरिया बनाऊंगा, एनएसएस एरिया बनाते ही इस एरिया में LSA 5 क्या हो जाएंगे, फिल्टर, तो LSA 4 भी नहीं आएगा। LSA 5 क्या हो चुकी है, फिल्टर। अब बट स्टिल ASBR राउटर इसमें क्या होता है, अलाउड होता है। ASBR राउटर क्या होता है, अलाउड होता है। और ये रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म जो करेगा वो किस फॉर्म में परफॉर्म करेगा, LSA 7 के फॉर्म में। मतलब होगा क्या, जब यहां से आप रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे ना, तो ये जो ASBR है जो किस एरिया में है, NSS एरिया में, उस एरिया में ASBR कभी भी LSA 5 नहीं भेजता, वो जो रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करता है वो LSA 7 के फॉर्म में रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवाता है। तो अब यहां पे क्या आ रहे होंगे, LSA 7 आ रहे होंगे, कितने, तो ये जो RIP के एक्सटर्नल प्रीफिक्स है वो OSPF में इस NSS एरिया में किस फॉर्म में आ रहे होंगे, LSA 7 के फॉर्म में आ रहे होंगे। NSS एरिया में LSA 5 एंड 4 फिल्टर है ना, LSA 7 तो फिल्टर नहीं है। तो NSS एरिया में जो राउटर, जो ASBR राउटर, वो जो रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है वो LSA 7 के फॉर्म में परफॉर्म करता है। और ना ये LSA 7 जो आ रहे हैं, ये जो RIP के एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, ये लिमिटेड प्रीफिक्स ही तो है, 20 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस ही तो है, कोई प्रॉब्लम है उसमें क्या, नहीं। और जो जो LSA 7 है, LSA 7 आपको सिर्फ और सिर्फ NSS एरिया में देखने को मिलेंगे, NSS एरिया ही LSA 7 को सपोर्ट करते हैं बस। नॉर्मल जो एरियाज हैं, स्टैंडर्ड जो एरियाज हैं, वो LSA 7 को सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ कौन सपोर्ट करता है, NSS एरिया। अब होगा क्या, देखो इसने LSA 7 जनरेट किया, इस एरिया में LSA 7 के फॉर्म में RIP के प्रीफिक्सेस आ जाएंगे, ये अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। इसके पास में भी आ जाएंगे वो LSA 7, ये भी NSS एरिया में, ये भी अपनी राउटिंग टेबल में वहां तक जाने की पाथ को क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। अब RIP के प्रीफिक्सेस इस एरिया में कैसे जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में तो वो LSA 7 है, सपोर्ट करते नहीं स्टैंडर्ड एरियाज, तो अब वो RIP के प्रीफिक्सेस यहां पे कैसे आएंगे, तो ये जो ABR राउटर है ना, ये ABR राउटर उन LSA 7 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, LSA 5 में, और भेज देगा स्टैंडर्ड एरिया में। और ये राउटर पहले क्या था, ABR है, ABR था, अब ये ASBR एक्ट करना भी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि है ये ASBR भी एक्ट करना स्टार्ट कर लेगा। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, LSA 7 को LSA 5 में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, LSA 4 भी जाना चाहिए ना, तो LSA 4 भी जाएगा। फिर क्यों करोगे, फिर तो डेटाबेस, मैं एक आपको रिक्वायरमेंट बताई है मैंने, ठीक है, फिर आप राउटर चेंज कर लो, पैसे लगाने पड़ेंगे फिर हमें, ठीक है, ओके। तो अब ये प्रीफिक्सेस, RIP के प्रीफिक्सेस इस एरिया में आ जाएंगे किस फॉर्म में, LSA 5 के फॉर्म में, इसके पास में भी आ जाएंगे LSA 5 के फॉर्म में, इसकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएंगे, और यहां पे तो रिडिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएंगे। आ रही है बात समझ में, तो इसको प्रूफ करके देख लें। तो मैंने इस एरिया को अब क्या बनाना है, अब एक्चुअली हो क्या रहा है यहां पे, यहां पे वो 500 LSA ERP वाले तो आ ही रहे थे प्रीफिक्सेस, और ये LSA
5 और आने लग गए, कौन से रिप वाले। तो अब इस एरिया को हम लोग क्या बना लेंगे, NSSA एरिया। कैसे बनाओगे, राउटर OSPF 100 में जाओगे, एरिया 3 इज NSSA, R10 पे भी चलोगे और R10 पे भी जाके आप कमांड एग्जीक्यूट करोगे राउटर OSPF 100 एरिया 3 इज NSSA, एंड R3 पे भी आओगे और राउटर OSPF 100 एरिया 3 इज NSSA। इस एरिया को NSSA एरिया बना दिया और NSSA एरिया में LSA 5 क्या हो जाते हैं, LSA 5 एंड 4 क्या हो जाते हैं, फिल्टर। तो इस एरिया में अब R9 पे दिखा देता हूं, R9 पे कोई LSA 5 नहीं आ रहा होगा, सो IP OSPF डेटाबेस देखना यहां पे कोई LSA 5 आ रहे हैं नहीं, बट NSS एरिया में अगर कोई ASBR आ रहा है तो वो ASBR राउटर अलाउड होता है और वो रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ LSA 7। तो वो RIP के प्रीफिक्सेस आ गए, किस फॉर्म में आगे, LSA 7 के फॉर्म में आगे। अब ये प्रीफिक्सेस किसके पास में आएंगे, R3 के पास में भी आएंगे LSA 7 के फॉर्म में। अब ये LSA 7 इधर नहीं आ सकते, स्टैंडर्ड एरिया जो वो सपोर्ट नहीं करते, तो अब R1 के पास में देखूं वो LSA RIP के प्रीफिक्सेस कैसे आ रहे हैं। सो IP OSPF डेटाबेस, तो इसके डेटाबेस में जो RIP के प्रीफिक्सेस जो है 11 वाले वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, और देखो राउटर आईडी किसके लग के आ रही है, ABR की। एक्चुअली क्या हो रहा है, ABR ये जो राउटर था ना ABR, ये ABR LSA 5 को LSA 7 को LSA 5 में कन्वर्ट करके क्या कर रहा है, ट्रांसलेट करके भेज रहा आगे। तो ये राउटर एज ए ASBR एक्ट करना भी स्टार्ट कर देगा, उनको क्या लगेगा ASBR कौन है ये। तो देख लो R3 भी एज ए ASBR एक्ट करना स्टार्ट कर लेगा, SHA-IP प्रोटोकॉल और ABR तो था ही, ABR की तरह भी एक्ट, ASBR की तरह एक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। अरे ये LSA 7 को LSA 5 में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ना, नहीं तो इस एरिया में वो RIP के प्रीफिक्सेस आते ही नहीं अगर नहीं कन्वर्ट होते तो। क्लियर है ये चीज, और वो प्रीफिक्सेस फिर इस EIGRP डोमेन में भी आ जाएंगे। आगे बात समझ में, और यहां पे देख लो इस एरिया में LSA 5 क्या हो गए, फिल्टर। तो यहां पे हमने क्या करवा दिया, LSA 5 को तो क्या करवा दिया, फिल्टर। LSA 4 भी क्या करवा दिया, फिल्टर। और यहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहा, RIP के प्रीफिक्स आ रहे हैं, लिमिटेड प्रीफिक्स ही तो है 20, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। आगे बात समझ में, बट अब ये एरिया के राउटर EIGRP डोमेन को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अब इस केस में ना ABR राउटर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट रूट नहीं भेज रहा होता NSS एरिया में, लास्ट टाइम तो आ रहे थे ना जब स्टब बना था, टोटली स्टब बना था SHA-IP रूट, कोई डिफॉल्ट रूट आ रहे हैं यहां पे। तो क्या अब आप यहां से EIGRP डोमेन से कम्युनिकेट कर पाओगे, नहीं। क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे, क्योंकि इनके LSA तो यहां पे क्या हो गए हैं, फिल्टर, तो रूट ही नहीं आ रहे होंगे और डिफॉल्ट रूट भी नहीं आ रहा होगा। तो अब NSS एरिया में मैनुअली डिफॉल्ट रूट भिजवाना पड़ेगा, NSS एरिया में ABR ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट रूट नहीं भेजता, हमें क्या करना पड़ेगा, R3 पे जाना पड़ेगा और R3 पे जाके बोलना पड़ेगा राउटर OSPF 100 एरिया 3 NSSA डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ये कीवर्ड साथ में ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये कीवर्ड ऐड करोगे, अब ये ABR राउटर इस NSSA एरिया में डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करना, डिफॉल्ट रूट भेजना स्टार्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ LSA 7। कौन से LSA के फॉर्म में भेजेगा, LSA 7 के फॉर्म में भेज देगा, दिखा देता हूं R9 पे आ जाओ, SHA-IP OSPF डेटाबेस आ गया डिफॉल्ट रूट, किसने भेजा है, R3 ने, ABR ने, और SHA-IP रूट इसकी राउटिंग टेबल में ये देखना डिफॉल्ट रूट आ गया। और मैं पिंग करूं 50.1.1.1 को, पहले कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, अब कम्युनिकेशन हो पा रहा है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। तो जिस एरिया में ASBR डायरेक्टली कनेक्टेड है और उस एरिया में अगर आपने LSA 5 को फिल्टर करवाना है, तो उस एरिया को हम लोग स्टब या टोटली स्टब नहीं बनाएंगे, उस एरिया को हम लोग क्या बनाएंगे, NSSA एरिया। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। अभी भी यहां पे LSA 3 आ रहे हैं, कितने, 200 ये प्रीफिक्स आ रहे हैं LSA 3 के फॉर्म में, कितने 200 LSA 3 आ रहे हैं, और इनके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है कि ये 200 LSAs को क्या कर पाए, अभी भी हैंडल कर पाए। तो हम लोग अब इस एरिया को क्या बनाएंगे, टोटली
NSSA, और टोटली NSSA में फिल्टर हो जाते हैं क्या, LSA 5, LSA 4, LSA 3, और सेम वही ASBR राउटर इसमें भी क्या होता है, अलाउड होता है, और रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ LSA 7, और टोटली NSSA में ABR राउटर ऑटोमेटिकली क्या भेज रहा होगा, डिफॉल्ट रूट, सिर्फ एक एरिया में नहीं भेजता, कौन से में, NSSA एरिया में। तो मैं काम करूंगा, इस एरिया को क्या बनाना है, अब हमने टोटली NSSA बनाना है, तो टोटली NSSA बनाना है, तो जो कमांड ऐड होगी वो सिर्फ कहां पे ऐड होगी, तो मैं इसको हटाता हूं, एरिया 3 NSSA, एरिया 3 NSSA, और आगे मैंने क्या बोलिए, नो समरी, अरे NSSA तो था ही, तो यहां पे जाके NSSA के आगे एक और कीवर्ड ऐड करवा लिया मैंने, कौन सा, नो समरी, तो समरी LSA भेजना है, यहां पे क्या कर देगा, बंद कर देगा, तो देखो यहां पे LSA 3 क्या हो जाएंगे, CIP OSPF डेटाबेस, LSA 3 क्या हो गए यहां पे, फिल्टर्ड, LSA 5 क्या हो गए, फिल्टर्ड, एक डिफॉल्ट रूट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ LSA 3। तो NSSA एरिया में जो डिफॉल्ट रूट ऑटोमेटिकली भेजेगा कौन, ABR राउटर, वो किस फॉर्म में भेजेगा, LSA 3 के फॉर्म में भेजेगा, और यहां पे देखो वो रिडिस्ट्रीब्यूशन भी परफॉर्म कर रहा है अभी भी इस एरिया में, ASBR राउटर इन द फॉर्म ऑफ LSA 7। आगे बात समझ में, और डिफॉल्ट रूट आ ही रहे। अब देखो यहां पे ये प्रीफिक्स भी क्या हो गए, यहां पे ये LSA भी क्या हो गए, फिल्टर, मतलब ये LSA भी नहीं आ रहे हैं, ये LSA भी नहीं आ रहे हैं, फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा, ABR राउटर क्या भेज रहा है, इस डिफॉल्ट रूट की हेल्प से आप इसको भी कम्युनिकेट कर लोगे और इसको भी कम्युनिकेट कर लोगे, और इस एरिया रिप के प्रीफिक्सेस यहां पे आ रहे हैं किस फॉर्म में, LSA 7 के फॉर्म में, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, वैसे ही कम्युनिकेट कर लेगा, और ये LSA 7 इसके पास में आएंगे, ये इसमें भेज देगा किस फॉर्म में, LSA 5 के फॉर्म में, और इसके पास में प्रीफिक्स आ रहे हैं, ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करवा ही देगा और कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सारे एरियाज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, दिखा देता हूं, पहले मैं R1 पे चलता हूं, R1 से मैं 50 के नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूं, कम्युनिकेशन हो पा रहा है, मैं यहां से 11 के नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूं, कौन से है ये, रिप वाला डोमेन, कम्युनिकेशन हो पा रहा है R1 से, है ना, मैं अब चलता हूं R11 पे, R11 जो है वो 50 EIGRP वाले डोमेन को भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और ये OSPF डोमेन को भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, ये क्यों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इन सबको, हाँ इसके पास में जो OSPF का डिफॉल्ट रूट आ रहा है वो भी तो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, रिप में, अरे OSPF का रूट है ना वो डिफॉल्ट रूट यहां पे, तो OSPF को मैंने यहां पे क्या करवा रखा है, रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट। और एक और चीज दिखा देता हूं, R9 पे चलो, R9 पे जो LSA क्या आए थे, LSA 7 आए थे, इनको अब राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा प्रीफिक्सेस को, तो LSA 7 से अगर कोई प्रीफिक्स आ रहे हैं उनको N से इंस्टॉल करेगा अपने राउटिंग टेबल में, E से अगर कोई LSA 5 से अगर आएंगे E से इंस्टॉल होगा, एक्सटर्नल रूट है ये भी, बट NSSA एरिया में एक्सटर्नल रूट कैसे दिखाएगा, N से शो करेगा आपको, ठीक है, अगर एक नॉर्मल एरिया में अगर एक्सटर्नल प्रीफिक्स आ रहे हैं तो कैसे शो करेंगे आपको, ई से एक्सटर्नल रूट। आगे बात समझ में, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, ये टाइप्स ऑफ एरिया, LSA 7 समझ में आ गया, LSA 7 कौन से एरिया में जनरेट होता है, NSSA में, टोटली NSSA में, ठीक है, हटा दूं इसको, आगे बात समझ में।